नमस्ते दर्शक मित्रों, अग्निपथ YouTube न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे मध्य दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ के आचार्य स्वामी ब्रह्म विदानंद जी उपस्थित हैं। स्वामी ब्रह्म विदानंद जी कई बार मौन साधना का प्रयोग कर चुके हैं। एक अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के लिए मौन की जो साधना है वो कितनी सहायक होती है, क्यों करनी चाहिए और इसे क्या लाभ होता है, उस विषय में बात करने के लिए आज हमारे मध्य में स्वामी जी स्वयं उपस्थित हैं। तो मैं स्वामी जी से ही प्रश्न करता हूँ। स्वामी जी, मैंने सुना है कि आप ये पहली बार यात्रा नहीं की, आप 2 साल तक मौन रहे, आगे भी आप कहीं 1.5 साल तक मौन साधना कर चुके हैं, तो ये मौन साधना करने से आपको क्या विशेष उपलब्धियाँ होती है और एक इसे क्यों करना चाहिए, व्हाई वी शुड डू? इस विषय में ऐसा समझना चाहिए कि चेतन मात्र कहिए या प्राणी मात्र का ये स्वभाव होता है कि हम थोड़ा सा भी दुख सहन नहीं कर सकते और एक विशेष सुख की भी हमको अभिलाषा होती है, और सुख भी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें थोड़ी सी कोई बाधा भी ना हो और पूर्ण तृप्ति देने वाला हो। तो जैसा कि हमारा ये उद्देश्य होता है कि हमको कोई किसी प्रकार का दुख ना हो और एक तृप्तिकारक नितान शांति सुख भी उपलब्ध हो, तो इसके लिए भी आवश्यक उपाय करने होते हैं, क्योंकि सुख दुख भी साधनों से उपलब्ध होते हैं। तो जो नितान सुख है या सर्वथा तृप्ति देने वाला सुख है, उसके कारण विशेष हैं और उसको हम परमात्मा कहते हैं। ईश्वर की प्राप्ति से वह सुख उपलब्ध होता है, संभव होता है, लेकिन सांसारिक स्थिति में भी सुख उपलब्ध होता है, परंतु संसार का जो सुख होता है यह बाधित रहता है या इसमें हमको पूरी तरह से तृप्ति नहीं हो पाती है, और जहाँ की तृप्ति नहीं होती है वहीं यहाँ के सुख के साथ साथ हमको दुख की भी उपलब्धि होती रहती है। तो इस कारण से किसी भी लौकिक परिस्थिति में रहते हुए किसी भी प्रकार के उत्तम से उत्तम प्रकार के लौकिक साधनों का प्रयोग करते हुए भी हमारा वो अभीष्ट पूरा नहीं हो पाता है। तो इस कारण से ऐसा करना अनिवार्य हो जाता है कि हमारा वह जो उद्देश्य नितान सुख प्राप्ति का है, हम उसके साधन को प्राप्त करें। तो उस साधन को प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषियों ने या शास्त्रों में निर्देश किया गया है, उसको योगाभ्यास कहते हैं। तो उस योगाभ्यास के माध्यम से हम इन लौकिक स्थितियों में रहते हुए भी विशेष प्रकार से अभ्यास करके हम उस अवस्था तक पहुँचते हैं। तो उन्हीं में से हमारा एक होता है कि उस अवस्था को बनाने के लिए आरंभिक रूप में हम मौन का प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग करना आवश्यक इसलिए हो जाता है कि इसकी विपरीत स्थिति में, अर्थात जब हम मौन नहीं कर रहे होते हैं तो बातचीत की अवस्था में होते हैं, तो बातचीत की अवस्था में लगभग हमारा क्या होता है, सभी के साथ संपर्क जुड़ा हुआ रहता है। तो यह एक नियम होता है कि हम जिस भी अवस्था में हैं, जिनके भी साथ में है, उसका ज्ञान हमको होता रहता है, हमारे चित्त के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता रहता है। आपके साथ हम बातचीत अभी कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि हम आपके बारे में भी विचार करेंगे कि आप कौन हैं, कैसे हैं, क्या प्रयोजन हो सकता है, आप क्या चाहते हैं, ऐसे ही आप भी हमारे बारे में निश्चय से अपने मन में जान रहे हैं कि हम क्या हैं, क्या हमारे बारे में है, क्या उपलब्धि हो सकती है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आदि जो भी जिसके पास बैठता है या जिसके साथ में रहता है उसको ना चाहते हुए भी अपना विषय उससे बनाना पड़ता है, और वो उससे सर्वथा उपेक्षित नहीं हो सकता है। तो इसी कारण से हम जिस वातावरण में उपस्थित रहेंगे, तो लौकिक वातावरण में रहेंगे तो हमारे चित्त की जो अवस्था होगी ये लौकिक ही रहेगी। जिनको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे चित्त के ऊपर, मन के ऊपर पड़ता रहेगा। तो ऐसी अवस्था में अगर हम जो विशेष स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, चूँकि यह वातावरण या संसार उसका साधन नहीं है,
तो इसी अवस्था में यदि रहेंगे तो वो उस अवस्था को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक होता है कि इस अवस्था से हम बाहर चलें, इससे बाहर उठें। तो इसका मतलब स्वामी जी ये हुआ कि जो व्यक्ति योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, हाँ, समाधि लगाना चाहता है, हाँ, उसके लिए मौन अनिवार्य है। तो उसके लिए अनिवार्य होगा, क्योंकि जैसे कोई विद्यार्थी भी होता है, उसको कोई पाठ याद करना हो, कोई विशेष विषय पर गंभीर चिंतन करना हो, तो वो सड़क पर बैठ कर के नहीं करता है। हम भी कोई विशेष विचार करना चाहते हैं तो सबके 10 लोगों के सामने नहीं कर सकते हैं, सीधे सीधे हमको उसमें बाधा उपस्थित दिखाई देती है। तो जब लौकिक स्थितियों में भी ऐसा होता है कि जो अभिषय है, जो उससे संबंधित साधन नहीं है, उसको हम दूर करना चाहते हैं या दूर करके ही हमको ठीक स्थिति प्राप्त होती है, तो यह भी एक आंतरिक साधनों से उपलब्ध होने वाली वस्तु है। ये सुख जो होता है या ज्ञान जो होता है हमको, इन बाह्य परिस्थितियों से हट करके ही होता है। तो ऐसी स्थिति में फिर हमको इसे एक तरफ करना होता है या हम इससे अलग एक तरफ जाते हैं। तो सबसे पहला यही होता है कि मौन होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है कि जब तक हम बातचीत करते रहेंगे तो सभी से जुड़े रहेंगे, और यदि हम वो बातचीत करना छोड़ देते हैं तो अनायास वो हमारा विषय नहीं रहता है। हम दोनों बातचीत नहीं करेंगे तो विशेष एक दूसरे के बारे में नहीं जान सकते, ना पूछ सकते, ना बता सकते, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, स्वाभाविक रूप से निरपेक्ष हो जाते हैं। तो मौन करने वाला व्यक्ति जो होता है, लोग से मोटे रूप से बहुत सरलता से, बहुत इन विषयों से कट जाता है। लेकिन स्वामी जी, मौन की अवस्था में भी जो उसके संस्कार है मन में, तो विचार कर ही सकता है वो। अब वो दूसरे स्तर का हो गया। अच्छा। पहले ये जो बाधक थे, हाँ, ये बहुत मोटे रूप के थे, हाँ, जो कि सामान्य स्थिति में उसे जाने ही नहीं दे रहे थे। तो पहले जब इसी में अगर वो लगा रहेगा तो भीतर थोड़ा भी नहीं जा पाएगा। लेकिन अब इसके साथ यदि उसका निदान हो जाता है तो कम से कम ये मोटे वाला स्तर तो चला गया उसका, ये बड़ी बाधा जो थी वो हट गई। और ये जो बाधा थी ना, एक पराधीन थी, दूसरी के हाथ में थी, इसमें अपने हाथ में नहीं रहता है। सामने वाले व्यक्ति को साथ आप खड़े हों और उससे नहीं बोलें तो उसको भी बाधा होगी और आपको भी होगा, वो बाधित करेगा आपको। तो बाह्य परिस्थितियों में हम दूसरे के अधीन होते हैं। तो मौन होने से क्या होता है कि अब ये बाह्य परिस्थिति जो थी वो तो बिल्कुल चली गई, अब आंतरिक जो स्थितियाँ हैं, वो जो बाधाएँ हैं, वो हमारी कम से कम हमारे अधीन है, उससे हम इतने बाधित नहीं हैं, इतने पराधीन नहीं हैं, वो हमको विवश नहीं कर सकता। तो अब आंतरिक में जब आ जाते हैं तो बहुत अधिक हम अपने अधीन आ जाते हैं, और ये संस्कारों का विषय होता है फिर। तो इस अवस्था में आने के बाद अगर मौन में हम चले जाते हैं तो सीधे सीधे ये बाधक जो भी है अब हमारे सामने आता है, तो अब इसका भी हम निदान करते हैं। तो इसके लिए निदान करने के लिए यही होता है कि ये भी जैसे बाहर के विषय होते हैं तो उनमें भी अगर हम उसके गुणों को देखते रहते हैं तो उसमें आकर्षण रहता है, उसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, उसको दूर नहीं करना चाहते, पर उसमें कोई दोष दिख गया, कमी दिख गई, हमसे विरुद्ध कोई स्थिति दिख गई, तो उसको भी हम हटाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और हटाने में हमको कोई बाधा नहीं होती है। तो अब संस्कार के रूप में भी यही सारे विषय होते हैं पहले जो बाहर के ही थे, तो इन विषयों में क्या होता है, स्वाभाविक रूप से कमी होती है, न्यूनता होती है, हमारे ये विरुद्ध भी होते हैं, इनसे हमको दुख भी प्राप्त होता है। तो यही कि यही विषय वहाँ भी आएंगे जब संस्कार के रूप में, तो बाहर जो इनसे हमें प्रतिकूलता हुई थी, दुख हुआ था, कष्ट बाधा हुई थी, इनके संस्कार भी हमारे पास होते हैं। तो जैसे विरुद्ध विषयों के संस्कार होते हैं हमारे पास, उनके गुणों से संबंधित, उनके दोषों से संबंधित भी संस्कार हमारे पास होते हैं, तो उनका विरोध करने के लिए अब उनके जो प्रतिकूल संस्कार हैं हम उसको फिर वहाँ उठाते हैं। तो उनके जो दोष हैं, जो कमी है, उन्हीं के विरुद्ध संस्कारों से फिर हम उसका निदान वहाँ कर लेते हैं। तो जब उनके विरुद्ध संस्कारों को हम वहाँ उठाएंगे तो वो भी विषय फिर अपने आप में क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं, या उनको हमें छोड़ने में कोई विशेष बाधा नहीं होती है। तो इस प्रकार के निदान करने से जो बाधक होते हैं उनको हम रोक लेते हैं। तो बाधक रुक जाने के बाद अब हमारा जो विशेष कार्य होता है कि हम तत्व को जाने,
यानी जो हमारे उस तृप्ति कारक सुख के जो विशेष साधन थे उस विषय को हम यथार्थतः जाने, तो वो अब विषय हमारे आमने सामने हो जाते हैं, तो इस अवस्था में अब उनको जानना सरल हो जाता है। तो अब जैसे अपने आत्मा को जानना है या अपने संस्कारों को जानना है या फिर ईश्वर के स्वरूप को ही जानना है, तो उससे संबंधित अब हम पीछे अध्ययन किए हुए होते हैं, सुने हुए होते हैं, पढ़े हुए होते हैं, तो उन ज्ञान विज्ञान के आधार पर फिर हम इसके बारे में ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, उसका विशेष जानने का प्रयास करते हैं, तो वो विषय अब हमारे सामने आने लग जाता है। तो इसका मतलब तो ये स्पष्ट हो गया कि बिना ज्ञान के मौन में जाने से कोई लाभ नहीं। हाँ, ये निश्चित है कि जिस व्यक्ति के पास अगर ज्ञान विज्ञान पहले से नहीं है, वास्तविक ज्ञान विज्ञान को नहीं जानता है, इनको बाहर से दुखी इनसे होते हुए भी इनके बारे में दुख का निश्चय नहीं किया हुआ है, तो उस अगर वो केवल मौन कर भी लेता है तो उसको इतना लाभ नहीं होगा। अच्छा, मान लो कोई व्यक्ति आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में विपरीत ज्ञान रखता है, हाँ, और वो मौन में चला जाता है, हाँ, तो उसके क्या उस स्थिति में वो विपरीत ज्ञान के कारण मौन में उसको कोई हानि भी हो सकती है क्या? हाँ, उसमें क्या होगा, वो अकेले में आने के बाद भी अगर शास्त्र को नहीं जानता है तो उसके बारे में जो निर्णय लेगा वो मिथ्या ले लेगा, और उस मिथ्या के कारण उसको भ्रांति फिर भी हो जाएगी, तो वास्तविक जो लाभ होना था मौन का वो उसे लाभ नहीं होगा, बल्कि एक उसको उल्टा अहंकार भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी अवस्था में जाने के बाद बाहर के लोग तो समझेंगे कि इसने इसका परित्याग कर दिया है, एक बहुत बड़ा त्यागी है, धर्मात्मा है, विवेकी है, जो कुछ भी है, बाहर के लोग वो मान्यता बना लेंगे, और बाहर आने के बाद ऐसी प्रतिक्रिया करेंगे तो बाहर से तो उसको अनुकूलता नहीं रहेगी, उल्टा उसका सम्मान लाभ होगा, और भीतर की मान्यता में उसको चूँकि काटने वाला था नहीं, उसको रोकने वाला नहीं था, अपने मन से उसको निर्णय किया है, तो उसमें आत्मबल भी उसको बहुत अधिक दिखेगा, और बाहर से उसका समर्थन दूसरी यद्यपि दूसरे विषय के कारण मिला, केवल वहाँ हटने का उसको मिला है, यहाँ पर प्रशंसा जो हुई है, वास्तविक ज्ञान विज्ञान क्या हुआ ये तो दूसरा जानता नहीं अभी, तो इस ज्ञान विज्ञान का उसने उल्टा निर्णय किया हुआ है, तो उसमें अभिमान अधिक बढ़ सकता है, और निर्णय या शास्त्र नहीं होने से प्रायः जो भी निर्णय लेगा अधिकतम उसकी भ्रांति ही रहेगी, तो मौन, हाँ, मौन से जहां लाभ होता है वहां हानि भी हो सकती है, और दूसरी बात है अगर उसका ज्ञान विज्ञान का विषय नहीं है, वो उस प्रक्रिया को नहीं जानता है, ध्यान के बारे में नहीं जानता है, समाधि के बारे में नहीं जानता है, या निधिध्यासन आदि जो विशेष पक्ष विपक्ष उठा करके विशेष का निर्णय करना होता है, इस विद्या को नहीं जानता है, तो क्या करेगा, वो विषयांतर में चला जाएगा, उसके संस्कारिक संस्कार में जो भी दबी हुई वासनाएँ थी या जो भी अन्य विषय रह गए थे उस विषय को फिर वो उठा लेगा, और उसके बारे में विशेष अधिक कल्पनाएं वो कर लेगा, अधिक भ्रांतियाँ वो उठा लेगा, तो निदान के बदले उसकी जो होती है आंतरिक स्थिति और भी बिगड़ सकती है, ये हानि भी हो सकती है। स्वामी जी, आप तो गृहस्थ का त्याग करके ब्रह्मचारी बने, दर्शन शास्त्र पढ़े, फिर बाद में संन्यास भी लिया और मौन साधना कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे जो संसारी लोग हैं, जो घर में रहते हैं और हम भी दर्शन पढ़ते हैं, हम भी ध्यान करते हैं, तो हमें ये मौन किस प्रकार, क्योंकि हम लोग दो दो साल तक तो घर बार छोड़ करके, पत्नी बच्चे को छोड़ करके जा नहीं सकते, बिजनेस को छोड़ करके जा नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति यदि ये मौन का लाभ उठाना चाहे तो और कोई शॉर्टकट है क्या? तो इनके लिए है, जैसे हम लोग तो लंबे काल तक कर सकते हैं और हम लोगों को बाधा नहीं आती है, लेकिन जो व्यवसाय में है, गृहस्थ में है, तो उनके लिए है कि वो थोड़े दिनों का कर सकते हैं, एक दिन का भी कर सकते हैं, तीन दिन का भी कर सकते हैं, अधिकतम एक सप्ताह का वो करें, तो सप्ताह भर के लिए, लेकिन उसके लिए भी आवश्यक होगा कि पहले किसी जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे वो निर्देश ले लें, क्योंकि इसके अंदर जो होता है वातावरण से अगर हम पूरे कट जाते हैं तो उसमें बहुत अधिक वो होती है कि हमारे जो संस्कार होते हैं उभर जाते हैं, तो कई तरह के भी हो सकते हैं। मैंने सुना है कि कई लोग रोने लग जाते हैं, सभी हाँ, बहुत सारी परिस्थितियां आती है, मैंने सुना और है कि बहुतों को कुछ हानि हुई है,
उसका मस्तिष्क का जो सोचने का ढंग भी बदल जाता है। हाँ, बहुत सारी मतलब बहुत सारी इसमें हानियां होती है, मानसिक रोग भी हो जाते हैं, पागलपन की स्थिति भी आती है। हाँ, इसमें सारे लब दोष, वो दोष सभी होते हैं इसमें, लेकिन वो सभी के सभी दोष उसी अवस्था में आते हैं जिनको नहीं है पता इसके बारे में, ठीक से अनुभव नहीं होता है। तो एकदम से बाहर से कटने के बाद उनके जो संस्कार उठ जाते हैं, तो उनका निदान अगर नहीं कर पाते हैं तो उनके भय बहुत भयंकर उठ जाता है। उस भय के कारण में क्या होता है, वो अधीर हो जाते हैं और जो नहीं करना चाहिए ऐसी स्थिति कार्य भी वो कर लेते हैं, यानी मस्तिष्क का संतुलन खोने का बहुत भय रहता है। तो इसके लिए आवश्यक होता है कि ऐसे व्यक्ति को जब भी लगने लग जाए कि हमारी मानसिक संतुलन यानी नियंत्रण नहीं है चिंतन पर, तो वो छोड़ दे उसको। फिर वो बाहर आ जाए, बाहर आने के बाद फिर वो जाए, ऐसे करके वो करे, लंबा न करे। मूल चीज इसमें ध्यान रखने का है, चिंतन बाधित नहीं होना चाहिए, अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। तो पहले से अगर स्वाध्याय किया हो, यानी इसमें तो अच्छा ये होता है कि पहले से कोई विषय विशेष का चयन कर ले कि मुझे इस विषय में करना है प्रयास, तो उस विषय में विधि पूर्वक अगर वो करता है तो फिर इतनी बाधा नहीं आएगी। और उसके साथ है स्वाध्याय का भी भाग साथ में रखें, कुछ उस शास्त्र को ही रखें, उसको पढ़े, पढ़ने के बाद वो विचार करें उसके ऊपर, तो कुछ भाग चिंतन स्वाध्याय और चिंतन का रखें, उसके बाद फिर वो ध्यान करें। फिर ऐसे करके रखते हैं तो इतनी बाधा नहीं आएगी, खतरा नहीं होगा। लेकिन पूरा इसमें मौन में प्रायः होता है, व्यक्ति की पढ़ने लिखने की जो होती ना बुद्धि वो भी नहीं रहती है, एक ऐसे होते हैं कि पढ़ना उसको अच्छा नहीं लगता है, फिर मौन की अवस्था। हाँ, यानी चिंतन का प्रवाह जब चल जाता है तो उसको पढ़ने में अरुचि हो जाती है। वो तो हम भी अनुभव करते हैं, ध्यान हाँ, जब करते हैं। हाँ, वो ये होगा, बैठ जाते हैं तो पढ़ाई में। हाँ, मतलब जैसे दूसरे की सुनने की इच्छा नहीं होती है, दूसरे को देखने की नहीं होती है, तो ऐसे मानसिक मतलब पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती इसमें, तो इससे ये नहीं होना चाहिए। यानी स्वाध्याय का निषेध नहीं होता है कि भी किसी भी स्थान में नहीं करनी चाहिए, ऋषियों के साथ हमारा संबंध बना रहना चाहिए, वो हमारे बुद्धि का दिशा निर्देश करता रहता है, उससे हमारी बुद्धि संतुलित रहती है, नियंत्रित रहती है, हम इधर उधर नहीं जाते। लेकिन उसको छोड़ देंगे तो स्वतंत्र चिंतन हमारा चलेगा और उसमें कहीं भी हम भटक सकते हैं। ज़्यादा होता है कि चिंतन इतना तीव्र हो जाता है कि संस्कारिक जब हो जाता है तो उसको हम रोक ही नहीं पाते, बंद नहीं कर पाते। बंद नहीं करने से मस्तिष्क गर्म होने लग जाता है पूरी तरह से, और फिर वो रुकता ही नहीं है। तो ऐसे में आदमी बहुत डर जाता है, उसको पागलपन की जैसी भी स्थितियाँ ऐसे में हो जाती है, वो नहीं करेगा तो वो फिर बल लगाता है या तो उसको रोकने के लिए, तो विकृतियां आ सकती है, उसमें रोग भी उभर सकते हैं, नाड़ियां संकुचित हो जाती है या अन्य कोई हो सकता है, फोड़ा फुंसी आदि जैसे भी हो जाए, साधारण चीज़ है ये, तो ऐसे भी चीज़ें हो जाती है। नहीं तो बलात् ज़्यादा करेगा तो मतलब रक्त संचार में निरोध हो जाता है, तो कोई रोग भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएँ सारी रहती है इसमें। शुरू शुरू में जाने वाले को ये सभी स्थितियाँ होती है, मेरे साथ भी बहुत सारी ये रही है। तो जहाँ जहाँ भी मुझे दिखा कि अब ये नियंत्रण से बाहर हो रहा है, तो मैंने उस चीज़ को तो बंद कर दिया पूरा, फिर या तो स्वाध्याय ही रखा या वो भी छोड़ दिया, सामान्य स्थिति में रह गया। फिर वो ठीक हुआ तो फिर मैंने उसे किया, तो मैंने कुछ 15 दिन पहले 7 दिन का, 15 दिन का, फिर महीने का, फिर 2 महीने का, 6 महीने का, ऐसे मैं लगभग 4-5 साल से कर रहा हूँ इसको। मैं आप ये क्रमशः धीरे धीरे? हाँ, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ इसको, लगातार 2 साल नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने, नहीं संभव ही नहीं। हाँ, पहले मैंने एक दिन यहाँ विद्यालय में पढ़ते हुए भी मैं पूरे मतलब समझिए 12 घंटे का इतना किया है, प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक बाहर नहीं आया, आँख बंद किए ही बैठा रहा, ध्यान में ही रहा, इस रूप में किया। तो ऐसे करते करते फिर मैंने सप्ताह का, महीने का किया है, फिर 3 महीने का किया, फिर 6 महीने का किया, फिर 1.5 साल का किया, फिर इस बार अभी 2 साल का किया। तो ऐसे ऐसे मैं बढ़ा रहा हूँ, अब मेरे लिए है इसमें कोई बाधा नहीं है, अब मेरे लिए स्वाभाविक हो गया है। और अब तो जैसे बोल भी देता हूँ तो उल्टा लगता है, कैसे बोल दिया, यानी गलती हो गई क्या मेरे से, आवाज़ निकल गई। और बीच बीच में ऐसा भी करना होता है इसमें कि जैसे अब बोलने का स्वभाव होता है तो बोल भी देते हैं, तो उसको भी बंद करना होता है।
तो उसके लिए स्वयं दंड लेना होता है, यानी कि या तो फिर गायत्री मंत्र का जप करो या अन्य कोई विशेष करो, वो करने के बाद फिर यानी बोलना बंद होगा, नहीं तो अकेले में भी बोलता है व्यक्ति, तो अकेले बोलने पर भी वो स्थिति नहीं बनती है, बस इतना होता है। तो आप मौन साधना में अकेले ही रहते थे या आपके कोई साथी भी रहते थे? नहीं, भोजन आदि के लिए तो दूसरे रहते थे सहयोगी, विशेष करके मैंने वानप्रस्थ आश्रम हरिद्वार में किया। अच्छा। तो वहाँ माताओं का सहयोग रहता था, या दूसरे घर में एक जगह राजस्थान में किया था, तो भी घर के ऊपर रहता था भाग में, नीचे परिवार था, तो भोजन आदि सारी व्यवस्था दूसरे लोग ही करते रहे, अब तक मैंने नहीं किया है, मैंने अपना अंदर रहा हूँ अकेला, बस स्वाध्याय आदि ये सब कर्म किया है, तो ऐसे सहयोग मुझे मिलता रहा है पूरा। मैं अकेला भी एकदम से नहीं रहा, ये सारी व्यवस्था भी अपने आप की हो, खाना पीना सब उसमें होता है कि बहुत समय फिर चला जाता है, तो वो काम जो करना चाहते हैं वो भी नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी इसमें ऐसा भी हो जाता है कि दिन भर पूरा मतलब सुबह से शाम तक आँख बंद करके भी बैठना पड़ जाता है, अन्यथा वो जो स्थिति हम चिंतन से लाना चाहते हैं वो कभी कभी नहीं आती है, केवल मौन रहने से भी स्थितियाँ नहीं आती है, और भी प्रयास करना पड़ता है आंतरिक रूप से, तो उसमें वो अंदर रहते हुए समझो आँख भी बंद करके रहना पड़ सकता है। स्वामी जी, जब आप ये साधना करते हैं, ध्यान में रहते हैं, तो भूख भी लगती है क्या? भोजन अगर वो ठीक स्थिति बनी रहती है ना, तो लगभग 6-8 घंटे तक तो नहीं होता है इससे प्रभाव, भूख लग जाती है? नहीं, कुछ नहीं होता है। अच्छा, जैसे अभी आप सामान्य स्थिति में भोजन कर रहे हैं ऐसे ही भोजन कर? हाँ, पूरा भोजन इसमें ही करते हैं। अच्छा। यानी कभी कभी किसी दिन की बात, यानी विशेष अवस्था वाली जैसे होती है ना, तो उसमें भोजन छोड़ भी देते हैं, तो वो भोजन का प्रभाव लगे समझिए 6-8 घंटे तक तो कुछ नहीं होता है उसमें, नहीं याद नहीं आती है कुछ, या शरीर में अंतर नहीं आता है, लेकिन उठने के बाद अंतर आता है, उसमें थोड़ी सी लगती है हल्कापन या थकान सी, ज़्यादा स्थितियां वो हो जाती है, तो इस कारण से वो फिर रोज़ का नहीं करते हैं। स्वामी जी, जैसे व्यायाम करने वाले हम लोग हैं, हाँ। व्यायाम करते हैं लगातार, हमने 4-5 घंटे व्यायाम करते हैं तो शरीर थक जाता है, तो क्या ब्रेन से जब आप मौन होकर के साधना करते हैं, विचार करते रहते हैं मन में, हाँ, तो क्या ब्रेन में भी थकान महसूस होती उसमें है? अगर जिस विषय पर चिंतन कर रहे होते हैं और चिंतन करने करते घंटे 2 घंटे के बाद भी अगर निर्णय नहीं आता है, तो अनिर्णय की अवस्था में फिर भार पड़ता है मस्तिष्क पर, लेकिन 4 दिन 5 दिन हो सकता है, कभी कभी 15 दिन तक भी उस विषय में कोई निर्णय नहीं आता है, और वो धीरे धीरे भार पड़ता रहता है मस्तिष्क के ऊपर, यहाँ तक स्थिति आ जाती है कि पूरा जकड़ जाता है, लेकिन 10-15 दिन के बाद भी वो निदान जब हो जाता है तो एक क्षण में सारा खुल जाता है वो, और किसी तरह का जो भी जितना भी दुष्प्रभाव था, थकान थी, जो भी सारी चीज़ें हट जाती है एकदम से, तो इस विशेष आनंद भी आता होगा। हाँ, और आनंद भी इतना बहुत अधिक आता है कि उसमें आदमी ऐसे लगता है कि ना छत फोड़ के निकल जाऊँ बिल्कुल। अच्छा। नहीं, दीवार को आदमी धक्का लगा के गिरा, जैसे होते हैं ना गिरा दे, ऐसी स्थितियाँ, मतलब इतना उत्साह भी आता है, बहुत मतलब आनंद भी आता है उसमें, तो उसके भी स्तर अलग अलग तरह के होते हैं आनंद के भी, और उत्साह भी भयंकर भी आता है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जब व्यक्ति समाधि लगाता है, ध्यान में बैठता है, तो लंबे समय तक विषय पर विचार करने पर यहाँ का जो ये जो पोर्शन है, यहाँ पर थोड़ा भार महसूस हुआ करता है लगातार, तो इसमें ये व्यक्तिगत हो सकता होता है, सभी के लिए अनिवार्य नहीं होगा, शरीर नहीं होगा, क्योंकि विशेष निदान जब आता है तो शरीर पर कहीं भी कोई भी भार संकोच इसकी स्थितियाँ नहीं रहती है, कोई भी दबाव नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता जब है, आंख बंद करके जब चिंतन करते हैं, हाँ, उसमें रहता है, उस वक्त में बात करते हैं, हाँ, चिंतन के समय रहता, हाँ, है दबाव, के समय रहता है? उसमें दबाव रहता है, वो यहाँ पर रहता है, हाँ, हाँ, यहाँ, यानी चिंतन यदि प्रधान है तो आपके मस्तिष्क पर रहेगा भार, चिंतन की बात, हाँ, लेकिन चिंतन धीरे धीरे अगर निर्णय में बदल गया, यानी ज्ञान जब उठने लग जाता है, तो फिर वही स्थिति यहाँ आ जाती है, हृदय में आ जाती है, मतलब तो उसमें फिर कोई दबाव नहीं रहता है, चिंतन प्रधान में मस्तिष्क पर भार रहता है, दबाव होता है, वो कम हो जाने पर फिर नहीं रहता है दबाव, ऐसे अंतर आते हैं। स्वामी जी, आजकल ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है उसको मेजरमेंट करने के लिए भी इक्विपमेंट्स है, तो क्या हम ऐसा कभी हुआ है कि न्यूरॉन्स की चेकिंग कोई मशीन लगा करके हमने की हो? नहीं, हमको नहीं है उसका पता, इस तरह से कराया हो? कराया नहीं ना, नहीं, हमने नहीं कराया उसको, लेकिन हमारा ये मानना होता है कि जो भी
यथार्थता है वो शास्त्रों में निर्दिष्ट है, और उसी के आधार पर अगर हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो वो तत्व हमारे सामने आ जाता है और समाधि अवस्था में फिर वही विषय यथार्थ रूप में उठ जाता है। तो बुद्धि के कारण ही वो चीज़, हर चीज़ हम जान सकते हैं उस चीज़ को। तो और यथार्थ स्थिति जब आएगी तो उसके साथ वो ज्ञान भी आएगा, आनंद भी आएगा, उत्साह भी होता है, और शारीरिक मतलब कोई भी प्रति भार की स्थिति नहीं रहती है उसमें, और छोटे छोटे जो रोग आदि भी होते हैं ना लगभग इस काल में दूर हो जाते हैं अपने आप। बहुत सारे निदान जो होते हैं जो फोड़े फुंसे आदि की मेरे पहले बहुत रहती थी ये सब स्थितियाँ, लेकिन जो वो सब स्थिति जब बनने लगी तो सारे अपने आप दूर हो गए थे। यानी तो मौन की अवस्था हाँ, में जाने से एक और जहाँ आप निर्णय ले सकते हैं सही हाँ, गलत का हाँ, चिंतन कर सकते हैं हाँ, साथ में शारीरिक निदान भी होता है, शारीरिक निदान भी हाँ, होता है, उसमें भी लाभ होता है, शारीरिक लाभ भी होता है, और बौद्धिक विकास तो पूरा होता ही होता है। नहीं शारीरिक लाभ तो स्वामी जी ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि जैसे मेडिकल साइंस भी कहता है कि व्यक्ति की थॉट प्रोसेस के जो इफेक्ट है वो अपने बॉडी पर होता है, तो जब हम ध्यान करते हैं तो थॉट प्रोसेस बिल्कुल मन भी एकाग्र हो जाता है, तो इसका भी प्रभाव मतलब नस नाड़ी आदि जो रक्त आदि का प्रवाह जो स्वाभाविक हो जाता है, हार्मोन लेवल जो ठीक हो जाता हाँ, वो स्वाभाविक हो जाने के कारण जो विकार होते हैं इसके अपने आप उबार निकल जाते हैं, तो इस स्थिति में शरीर स्वतः वो निरोग भी हो जाता है, वो बल भी उत्साह भी सब कुछ आता है इसके अंदर। मतलब इसमें जाने के बाद जो परिणाम अगर ठीक ठीक बुद्धिपूर्वक किया है व्यक्ति तो हानि तो शून्य भी नहीं है, घाटा तो कुछ होता ही नहीं, इसमें लाभ ही लाभ होता है, और लाभ इतना अधिक भी होता है कि हम बाहर स्थिति में उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतना लाभ होता है इसमें। स्वामी जी अंतिम प्रश्न, क्या ये जो दूसरी खोज हो रही है आजकल, जैसे किसी ने बिजली की खोज की हाँ, किसी ने चश्मा बना लिया, किसी ने माइक्रोफोन बना लिया, किसी ने मोबाइल बना लिया, इस प्रकार की जो भौतिक खोज है हाँ, क्या इस प्रकार के एकांत सेवन से ध्यान करने से इनके रहस्यों को जान करके जैसे प्लेन बनाना हाँ, तो वो उसकी जो टेक्नोलॉजी है क्या उसको भी व्यक्ति जान सकता है? उसमें इस विषय में वही बताया ना कि इसमें भी पहला अध्ययन चाहिए। अच्छा, यानी विषय को पहले जाने बिना बुद्धि नहीं बनती है, तो भूमिका चाहिए इसमें, भूमिका चाहिए हाँ, भूमिका के बिना स्वतंत्र रूप से नहीं उठा पाएगा वो तत्संबंधी संस्कार आपका हाँ, क्योंकि अध्यात्म के बारे में अध्ययन है हाँ, आप दर्शन शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, उपनिषद हाँ, पढ़े हाँ, संस्कृत पढ़े, तो उस विषय के अंदर आप खोज करके कुछ नया हाँ, लेकिन वही बताया कि भूमिका चाहिए हाँ, पहले चाहिए। बिना भूमिका के आपकी हाँ, जो भूमिका है उसमें हाँ, कुछ नया मिल सकता है आपको एकांत में ये चिंतन करने से हाँ, इन चीज़ों मतलब वही है, इस विषय को फिर उठाना पड़ेगा, हाँ लेना पड़ेगा, तब इसके बारे में ज्ञान उठेगा। बिना अछूते विषय में ज्ञान नहीं उठता है, उस विषय को लेना होता है तब ज्ञान आता है उसमें। तो अब चूंकि यह है कि इनका जो बाहर का है विषय ये जो हैं, चूंकि ये हमारे उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य आत्मा परमात्मा को जानने का होता है, और इस विषय में जब तक वैराग्य नहीं हो जाए या स्थिति नहीं हो जाए कि ये नहीं अपने काम की है, तब तक वो पूरी स्थिति बनेगी ही नहीं, तो इस कारण से उद्देश्य तो उसको जानना होता है, तो इस विषय को प्रायः उठाते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई इस रूप में करता है तो उसको लाभ होगा जरूर हाँ। तो मैं अंत में ये पूछूंगा कि आप ये अंतिम जो आप 2 साल अभी आपने मौन साधना की, उसके बाद कोई ऐसी उपलब्धि, कोई ऐसी नई चीज जो आप दर्शकों को बताएं? इसमें सारी जो उपलब्धियां थी वो चूंकि बौद्धिक होती है, आंतरिक ही होती है, आंतरिक, तो उसमें बाहर के जैसे यही बता सकते हैं, जैसे शरीर है अपना, तो शरीर को सामान्य रूप से हम देखते हैं कि सुंदर लगता है, जो भी होता है सुखद ही दिखता है, पर आंतरिक रूप से जब इसमें देखने लगते हैं तो जो भी इसके दोष हैं, ये अशुद्ध है या अनित्य है या मरने वाले एक दिन इसका काल आ जाएगा, तो ये सारी स्थितियां मतलब दिखने लगती है इसके अंदर, वही प्रतीति होने लग जाती है कि वस्तुतः ये अपने पास नहीं रहेगा, ना चाहते हुए भी ये जा रहा है एक तरह से, या अशुद्ध है जो भी है, यानी ये अपने काम की चीज़ नहीं है, ऐसी अनुभूति बदल जाती है। यानी जैसे कोई व्यक्ति अब ठीक ठाक यहाँ है लेकिन थोड़ा सा छिल गया,
तो उछलते यानी खून यदि दिख गया तो सारा शरीर विभत्स दिखने लग जाता है। तत्व एक क्षण में मतलब उसी के बारे में विचार एकदम बदल जाते हैं। तो वही स्थिति होती है, बाहर कुछ भी देख रहे हैं वो एकदम बदल जाएगा, और बदलने का परिणाम यही होगा कि हम इससे हट जाते हैं, फिर अब इसके लिए हम नहीं लगेंगे फिर। यानी फिर प्रकृति को छोड़कर हाँ ये ईश्वर की ओर लगे जाना है। हाँ इसमें ये साधना बहुत ही उपयोगी जरूरी है। हाँ मतलब बहुत उपयोगी है, और बिना इसके नहीं होगा ये। यानी इसका यानी योग का जो है ही ना कि वृत्तियों का जो निरोध है वही योग होता है। तो वृत्तियाँ और होती क्या है, बस इसका जो ज्ञान हो रहा है वही वृत्तियाँ है ना। तो सारे वृत्तियों का निरोध का मतलब इसका निरोध है। और ये चूंकि अपना स्वरूप नहीं है, इनको करने के लिए आज से नहीं करोड़ों वर्षों से सृष्टि से लेकर अब तक के लोगों ने खूब प्रयास किया, और इतना प्रयास किया है कि उससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा। आज के वैज्ञानिक या जो भी जितना कर रहे हैं ना इतना हो चुका है, और छोटे छोटे लोगों ने बड़े बड़े राजा महर्षि जो महाराजा लोग हुए हैं सब ने इसका प्रयोग कर लिया है, और सभी ने इसका निष्कर्ष दे दिया है कि इससे अपने को तृप्ति नहीं होती है, ये हमारे लिए कभी पर्याप्त नहीं होता है। मैं यदि एक वाक्य में आपकी साधना के बारे में कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि मौन साधना के बाद आपकी जो वैराग्य की स्थिति है वो ज़्यादा दृढ़ होती है। दृढ़ होती है हाँ, यानी इसमें ये लगने लगता है जैसे अभी मैं चाहे पढ़ा रहा हूँ या जो कुछ कर रहा हूँ, अब मुझे रोज़ खटकता है कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं इसको बंद करके आँख बंद करना चाहता हूँ, वो स्थिति को मैं पूरा करना चाहता हूँ, ये हमें दिन भर हमको लगता है ये। लेकिन पहले हमें नहीं लगता था कि ये काम करना चाहिए क्या, या डर लगता था इसके नाम से ही, ये भी कोई क्या करने का, इसमें पता नहीं क्या हो जाएगा इसे या क्या मिलेगा इसमें, ऐसी स्थितियां रहती थी। अब ये नहीं लगती है, अब भले पढ़ा देते हैं, पढ़ाता रहता हूँ मैं, पढ़ाता भी हूँ, लेकिन वो मुझे लगता है कि मैं अपना समय काट करके कर रहा हूँ इस काम को, और इससे उतना लाभ वो मुझे पहले कर लेना चाहिए। क्योंकि पढ़ाना लिखाना भी किसी चीज़ को बताने के लिए होता है, उसी चीज़ को अगर हम ठीक प्रकार से नहीं जानते हैं और उसको बता रहे हैं तो एक प्रकार से हम अपने को भी ठग रहे हैं और दूसरे को भी ठग रहे हैं, बेच रहे हैं उस चीज़ को केवल। क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि इस चीज़ को जानो और आपको ही नहीं पता उस चीज़ का, तो आपके कहने का कितना बल है उसमें, कोई बल नहीं लगता है। तो ये सारे जो आध्यात्मिक विषय हैं दर्शन आदि पढ़ा रहा है कोई व्यक्ति और उस चीज़ को तत्वतः नहीं जानने की इच्छा रखता है या नहीं प्रयास करता है तो व्यर्थ है उसका। वो उसका उदाहरण जैसे दिया जाता है ना कि कोई कड़छी है और वो हलवा बना रहा है, तो हलवा पूरा बनाता रहता है कड़छी, लेकिन उसका एक स्वाद नहीं ले सकता हो। तो ऐसे ये सारी आत्मा जो दिन रात पुरुषार्थ कर रही है इस विषय में और सारा समय इसका जाएगा, लेकिन उसकी जो कामना है कि मैं पूर्ण संतुष्ट हो जाऊं, तृप्त हो जाऊं, वो नहीं होगा इसमें। उसके लिए उसे अपने स्वरूप में जाना ही होगा, और तभी इसको शांति पूरी मिलेगी, इसकी जो कामनाएं पूरी तभी होगी, और उसका ये साधन है। धन्यवाद स्वामी जी। तो स्वामी जी ने हमें बड़ी अच्छी बात बताई कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, यदि हम अपनी मन की वृत्तियों को रोकना चाहते हैं तो अभ्यास और वैराग्य से संभव है। तो ये मौन साधना में दोनों चीज़ हो जाती है, अभ्यास भी हो जाता है, वैराग्य की भावना जो है वो भी बहुत ही बढ़ जाती है, सुदृढ़ हो जाती है। और स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि यदि आप मौन साधना में जाना चाहते हैं और आपके पास ज्ञान सही नहीं है तो भी ये आपको हानि कर सकता है। अर्थात साधना में जाने से पहले ईश्वर जीव प्रकृति के बारे में ठीक ठीक जानकारी प्राप्त कर लेना, पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, फिर किसी एक विषय को लेकर के हमें प्रारंभ में एक दिन, दो दिन, चार दिन, धीरे धीरे मौन का और साधना का समय बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम साधना करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा, और यही साधना यदि हमने गलत ढंग से की तो हानि भी हो सकती है। तो स्वामी जी ने हमें बड़ा अच्छा मार्गदर्शन दिया, अपने अनुभव की बातें बताई। स्वामी जी आपका बहुत धन्यवाद। नमस्ते।